नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप पर आपका स्वागत है। आइए हम डिस्कस करते हैं 25 साल पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर बने नोट्स, जिसके अंतर्गत हम भूगोल का डिस्कशन कर रहे हैं। उसका छठा वीडियो, इसमें पहला पार्ट पशुपालन बहुत छोटा है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम खनिज संसाधन और आगे समय बचेगा तो अगले चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, समय रहेगा तो अगले अन्य चैप्टर्स को भी इसमें डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पशुपालन। इसमें पहला प्रश्न यह था कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो ये पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहा जाता है। गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। उस समय का डेटा जो था उसमें मैंने अपडेट किया था। अगर इसके बारे में आपके पास कोई नई जानकारी होगी तो उसको जरूर अपडेट कीजिएगा, लोगों तक ये पहुंचेगी, लोग फायदा पाएंगे इस चीज का। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी तो ये जमुना पारी बकरी, ये प्रजाति है बकरी की। थारपरकर क्या है? तो थारपरकर गाय की एक प्रजाति है, देशी नस्ल है गाय की। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसी नस्ल है, तो ये देसी नस्ल है, अच्छी गायों की नस्ल है और ये राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र इसके लिए जाना जाता है, वहां पे ये पाई जाती है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करें तो ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीज कुरियन के इसके मतलब प्रारंभकर्ता थे, उन्होंने ही इसको शुरू किया था। और ये दुग्ध उत्पादन और वितरण, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वितरण के लिए भी था, केवल प्रोडक्शन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात इसमें की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये करनाल में है। ठीक है, इसके बारे में बस इतने ही फैक्ट थे। अगला चैप्टर है खनिज संसाधन। फैक्ट इसमें इसलिए कम थे कि जो इंपॉर्टेंट है वही लिखे गए हैं और बहुत सारी बेसिक बातें हैं वो आप जानते होंगे। आगे हम बढ़ते हैं खनिज संसाधन में। खनिज संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एक दो प्रश्न हर बार मिलते हैं। इसके अंतर्गत पहला है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज तंत्र कौन सा है, तो ये तो सबसे जरूरी बात है। तो ये धारवाड़ है, गलत निकल गया था, ये धारवाड़ है। और दूसरा प्रश्न है कि चूना पत्थर, लोहा, कोयला, इनके क्षेत्र दिए हुए हैं कि कहां किस प्रकार के खनिज तंत्र में पाया जाता है। तो चूना पत्थर विंध्यसैल में पाया जाता है, धारवाड़ में लोहा पाया जाता है और कोयला गोंडवाना में पाया जाता है। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये तीनों अलग अलग प्रश्न हैं। भारत में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं, तो अगर इसमें दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट, अगर कोई भी विकल्प ऐसे दिया हुआ तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य कौन सा है? तो ये बेशक कर्नाटक है, इसको आंख बंद करके आप मार सकते हैं। नाथरा की पाल क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो क्षेत्र है ये तो पहले आप जान लीजिए कि राजस्थान में है और ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो नाथरा की पाल क्षेत्र राजस्थान में है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बौलाडीला लोहे के लिए जाना जाता है, लोहे का क्षेत्र है और सबसे मशीनीकृत कारखाना यहाँ पे पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये दो यहाँ पे लिखा हुआ है, लोहे का भंडार और उत्पादन। आगे इसके बारे में अपडेट इंफॉर्मेशन है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, रामपुर आगूचा। तो रामपुर आगूचा जो है ये भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है, ये स्थल है और यहाँ पे जस्ता पाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर है। तो इसमें प्रमुख तौर पे हमने तांबे की बात की है। देखिए सारे तांबे छह स्थान दिए हुए हैं, जैसे मलाजखंड है तो मलाजखंड बालाघाट में, और चंद्रपुर महाराष्ट्र में, हाशन कर्नाटक में, खम्मान आंध्र प्रदेश में, खेतरी राजस्थान में और तामाक दक्षिण कर्नाटक में भी पाया जाता है। आगे हम देखते हैं बॉक्साइट के अग्रणी उत्पादक पांच राज्यों के बारे में। तो बॉक्साइट से अल्मोनियम बनाया जाता है, अल्मोनियम प्राप्त होता है और ये उड़ीसा, गुजरात, फिर अगला तीसरा है झारखंड, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा छत्तीसगढ़। ये पांच राज्य हैं जो अग्रणी उत्पादक हैं बॉक्साइट के। टिन का अग्रगण उत्पादक कौन है? तो टिन का भारत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जहां पे टिन का उत्पादन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अवरक संसाधन वाले राज्य देख लें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा में पाया जाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, फर्स्ट और सेकंड नंबर पे राजस्थान, और उसमें थोड़ा सा अंतर है ओडिशा में, यहाँ पे 20% ओडिशा में और राजस्थान में 21%। अबरक की मेखला देखें तो हजारीबाग, गया और मुंगेर, ये पूरा सर्किल है, ये अबरक की मेखला पाई जाती है। अबरक की मेखला मतलब बेल्ट। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर ये मकराना संगमरमर होता है और ये कायंत्री चट्टान से बनता है, मतलब कायंत्री चट्टान से प्राप्त होता है। और पुनर्रवीकृत चूना पत्थर ये होता है, रवीकृत, याद रखिएगा, पुनर्रवीकृत, रवे होते हैं ना वही। कर्णपुरा झारखंड में है और ये कोयला के लिए जाना जाता है। तो कर्णपुरा बिल्कुल सही से ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कर्णपुरा कोयला के लिए झारखंड में। भारतीय कोयले के अवलक्षण हम देखें तो उच्च भस्म अंश इसमें पाया जाता है और निम्न सल्फर अंश पाया जाता है, यानी कि जलाने के बाद में अधिक मात्रा में चीजें बच जाती हैं। तो ये कोयले की समझ लीजिए कि ये कमजोरी है भारतीय कोयले की, और ये
मतलब बुरा कोयला है या अच्छा कोयला नहीं है, और निम्न सल्फर अंश है इसमें, और 90% से अधिक कोयला गोंडवाना तंत्र से प्राप्त होता है। तो ये अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे हम चलते हैं। कोयले उत्पादन का घटनाक्रम 2014 के अनुसार हम देख रहे हैं, अगर इसके बाद का डेटा होगा तो आप जरूर इसको अपडेट कीजिएगा। तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड में सेकंड स्थान, और थर्ड स्थान पे है उड़ीसा, और फोर्थ स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो तीन तो कम से कम याद ही होने चाहिए आपको, और प्रथम स्थान तो कतई मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है। और कोयले का भंडार हम 2014 के अनुसार ही देखें तो सबसे ज्यादा भंडार अगर पाया जाता है तो झारखंड में, और फिर सेकंड पे उड़ीसा, और थर्ड पे छत्तीसगढ़, और चौथे पे पश्चिम बंगाल है, पांचवें स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उत्पादन में छत्तीसगढ़ और भंडार में झारखंड। आगे हम देखते हैं नामचिक नामफुक, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और क्या है, कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ये कोयला क्षेत्र है। आगे हम बढ़ते हैं कोरबा, तो कोरबा कोयला क्षेत्र है, और हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में ये नदी है, और ये कुछ क्षेत्र भी वहीं पे है। कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खदान के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जो सुमेलित करने में पूछी जाती है अक्सर, डायरेक्ट प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं। तो दामोदर घाटी बराकर, और सोन घाटी उमरिया, और गोदावरी ये शिंगरैनी, और महानदी घाटी में तलचर और तालचिर क्षेत्र पाए जाते हैं। तो ये दामोदर घाटी में बराकर और सोन घाटी उमरिया, ऐसे आप सुमेलित करने इसको याद कर लीजिए, है ना, और महानदी घाटी तलचर और तालचिर क्षेत्र उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार के बारे में हम देखते हैं, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल में इसका फैलाव है। तो ये चार राज्य आप बहुत सही से याद कर लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसका फैलाव है। और कोयला योगदान में 80%, कोयला में 80% का योगदान, ये योगदान कुछ गलत दिख गया है, 80% का योगदान है, यानी कि यहाँ पे इसी क्षेत्र में 80% कोयला भारत का पाया जाता है। आगे हम देखें झरिया झारखंड में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार गलत हो जाता है, झा झा से आप याद कर लीजिए, झा से झरिया, झा से झारखंड। कर्णपुरा झारखंड में है, ये भी आप ध्यान लीजिए कर लीजिए, कर्ण और झार, ठीक है। और नेवेली ये तमिलनाडु में है, और कोरबा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। बहुत सही से इन सारे क्षेत्रों को रट लीजिए, ये बिल्कुल स्टैटिक प्रश्न है, किसी भी परीक्षा में कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं लिग्नाइट कोयला के बारे में, तो कार्बन की मात्रा 35 से 40% यहाँ पाई जाती है, लिग्नाइट कोयला। ये थोड़ा सा ये स्कैन करने में थोड़ा गंदा हो गया है, प्लीज इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, और इसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40%, और कहीं कहीं देता है 40 से 55%। अगर दो में से कोई भी विकल्प आपको मिलता है तो उसको सही मानिएगा। ऐसा होता है कई बार प्रश्न पत्र में ही एक ही चीजों को दो तरह से पूछा जाता है, तो हमको केवल यहाँ पे आंसर सही करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि इसके बवाल में पढ़ना चाहिए कि आयोग ने गलत पूछा, क्या किया, ये सब हमारा काम नहीं है। अधिकांश भंडार कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट कोयले का, तमिलनाडु में। ये प्रश्न सीधा सीधे तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि लिग्नाइट कोयला के लिए किस राज्य को जाना जाता है, या लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है। विश्रामपुर यूपीपीसीएस 2009 का ये प्रश्न है, जहां तक मुझे याद रहा है 8 में पूछा गया था। विश्रामपुर कोयले का क्षेत्र है, और कोयले का सर्वाधिक उपयोग ये ऊर्जा उत्पादन में होता है, और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार या तेल शोधन इकाई तो ये डिगबोई असम में है, और लुनेज, नौग्राम, माकूम ये सब क्षेत्र है। तो लुनेज गुजरात में है, नौग्राम गुजरात में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों गुजरात में है, दोनों गुजरात में है, लुनेज भी नौग्राम भी, और माकूम क्षेत्र जो है ये इसको मा है गा मत पढ़िएगा, तो माकूम क्षेत्र असम में है, माकूम असम। और माकूम मैं आपको बता दूं कि सबसे पुराना तेल कुआ भारत का माकूम में ही पाया जाता है। पनागुड़ी क्या है, तो पनागुड़ी तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पे भी तेल ही पाया जाता है। अगला हम देखते हैं हाइड्रोजन विजन 2025, यानी कि 2025। तो 2025 हाइड्रोजन विजन जो है ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से ये संबंधित है, और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य आयल इंडिया लिमिटेड, आईओसी है ना, आईओएल है ना, सिनी आईओएल, तो आईओएल आयल इंडिया लिमिटेड है, इसी के द्वारा भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। एचबीजे पाइपलाइन के बारे में हम देख लेते हैं, तो ये दक्षिणी बेसिन से गैस का परिवहन करती है, और गेल के द्वारा संचालित है ना, और दक्षिणी बेसिन बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से आप बिल्कुल मतलब इसको ध्यान रखिए कि किसके द्वारा संचालित है, क्या है ना, इसको बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। कोई भी चीज जब भी आप पढ़िए तो उसको एग्जामिनेशन में सही करने की दृष्टि से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया उसके बाद में याद है या नहीं है, क्वेश्चन सही कर पा रहे नहीं, कोई मतलब नहीं है जब तक आपका क्वेश्चन नहीं सही हो पाता है, ठीक है। और
अगर आप कम पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो पढ़ाई ठीक है, बहुत पढ़ते हैं क्वेश्चन नहीं सही होता है तो बेकार है। ठीक है। हाँ एक चीज मैं आपको बताऊं, ये वी जो है ये गलत लिख गया है, एच वी जे होता है, तो एच फॉर हजारीबाग और ये विजयपुर और जे फॉर जमशेदपुर, जगदीशपुर, जमशेदपुर नहीं जगदीशपुर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये वी है और ये 1986 में शुरू हुई थी, गेल के द्वारा ये निर्मित हुई है। आगे हम देखते हैं, बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ये मतलब उत्पादन के क्षेत्र में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उसमें ये आंसर हुआ करता था। और इसकी खोज 1965 में हुई, पहला तेल कुआं 1974 में प्रारंभ हुआ और भारत रूस की संयुक्त टीम के द्वारा इसको खोजा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा भारत रूस की संयुक्त टीम के द्वारा, और मुंबई तट से 160 किलोमीटर ये दूर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैंथरी चट्टानों से निर्मित या संबंधित है, तो ये तांबड़ा या गारमेट है ना, और कैंथरी चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं, तो ये तांबड़ा कैंथरी चट्टानों संबंधित है, ये विकल्प के तौर पे दिया था, मैंने नोट कर लिया था। जिप्सम धातु खनिज नहीं है, है ना, और 99% उत्पादन इसका राजस्थान में होता है, तो जिप्सम धातु अगर पूछा जाए क्या है, खनिज है, तो खनिज नहीं है। आगे कुछ क्षेत्र देख लेते हैं और वहां पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो कोयला कर्णपुरा में पाया जाता है और स्वर्ण हट्टी में पाया जाता है और अभ्रक नेल्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, और मैग्नीज जो है ये भंडारा में पाया जाता है। आगे हम बढ़े, अमगुरी तो यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, लांजगढ़ बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बेलारी लावैस के लिए, मोशाबानी तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, और रवा खनिज तेल के लिए, बादाम पहाड़ लॉयस के लिए, कोडरमा अवरक के लिए, रामपा ग्रेफाइट के लिए, जावर क्षेत्र सीसा के लिए, ऐसे डिडवाना लवण के लिए और बेल्लारी चांदी के लिए। ठीक है ना, बेल्लारी हॉस्पेट, तो ये देखिए ये सारे ऐसा ये कलेक्शन है कि ये सारे क्षेत्र अलग अलग प्रश्नों में पूछे गए हैं, सुमेलित करने में या डायरेक्ट प्रश्न में, और यहाँ पे आपको इकट्ठा मिल जा रहे हैं रिवाइज करने के लिए। आगे हम बढ़ते हैं, बादाम पहाड़ ये कहाँ है, उड़ीसा में है, किस लिए जाना जाता है, लवैस के लिए, तो ये सारे लवैस के क्षेत्र देखिए मैंने इकट्ठे लिख दिए हैं। डाली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में लवैस के लिए, कुद्रेमुख कर्नाटक में, याद रखिए काका से है ना, का यहाँ पे कु है और यहाँ पे का है, नोवा मुंडी ये झारखंड में पाया जाता है और लवैस के लिए ये भी जाना जाता है। क्रोमाइट के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है, किस राज्य का एकाधिकार है, तो ये उड़ीसा का एकाधिकार है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जिप्सम कहां, जामसर में जिप्सम पाया जाता है, तांबा खोदरीबा में पाया जाता है, रॉक फॉस्फेट झामर कोदड़ा में, और सीसा व जस्ता रामपुर आगुचा, अभी ये इसके पहले भी रामपुर आगुचा स्थान का नाम आया था और ये कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है ना, अगर मैं सही हूं ये राजस्थान में। कोयला तलचर या तलचर कोयला, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तलचर का संबंध किससे है या कोयला निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, लव एस्क कुद्रेमुख, ऐसे कुद्रेमुख को ये दोनों तरफ एरो मैंने इसीलिए लगाया है, तो कुद्रेमुख लैक्स मैं खैर एक दो में उदाहरण दे रहा हूं, और एल्युमिनियम कोरापुट में, कोयला सिंगरेनी में, तांबा बालाघाट में, हीरा पन्ना जिले एमपी में, और यहाँ पे मझगवा खान है। ठीक है ना, आगे हम बढ़ते हैं, यूपी में ललितपुर महोबा व बांदा में ग्रेनाइट पट्टियां पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट यहां पे पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ललितपुर में, महोबा में और बांदा में, और हीरायुक्त किम्बरलाइट की बृहत खान या भंडार कहाँ पाई जाती है, तो रायपुर जिले में ये पाई जाती है, रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, और पपाली खंड और बेहरादीन यहाँ पे और दो क्षेत्र है, वह बस्तर जिले में टोकापाल, तो पपाली खंड बेहरादीन और टोकापाल, ये खैर रीजनल, जब आपके पेपर किसी स्टेट के रीजनल क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे पूछे जाते हैं, इतना कुछ के वैसे ही नॉर्मली कोई आयोग नहीं पूछता है। आगे हम बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ये ललितपुर जिले में पाया जाता है, पढ़ने के लिए पाया जाता है, वैसे शायद ये कोई उपयोग का हमको नहीं पता। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में पाए जाने वाले खनिज, तो मोनोजाइट पाया जाता है बहुतायत मात्रा में, इसके अलावा एल्मेनाइट है ना, और रुटाइलू और जिरकान और ये सिल्मेनाइट, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, मोनोजाइट मिश्रण होता है, तो ये थोरियम यूरेनियम सीरियम और लैंथेनम इसका मिश्रण होता है मोनोजाइट, तो अगर ये विकल्प में दिया हुआ है,
तो आप इस सबको टिक कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं यूरेनियम केंद्र और राज्य के बारे में। तो दोमाईशाल ये मेघालय में है, यूरेनियम केंद्र है दोमाईशाल ये मेघालय में है, ऐसे लंबापुर ये आंध्र प्रदेश में है, रोहेल जो है ये राजस्थान में है, और गोगी तो ये कर्नाटक में है। आगे हम देखते हैं गुरुमैशानी लोहे के लिए जाना जाता है। देखिए जितनी भी इंफॉर्मेशन थी जो पूछी गई थी या पूछी जा सकती है उसको मैंने इकट्ठा कर दिया है, आप लोगों के लिए बहुत आसान है। तो गुरुमैशानी लोहा के लिए, पलामू अभ्रक के लिए, हजारीबाग बॉक्साइट के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए, और केओंझर मैगजीन के लिए जाना जाता है। आगे हम देखें कोयला गिरडी या गिरडी कोयला से संबंधित, दोनों तरफ एरो हर जगह प्रश्न दोनों तरफ से पूछे जा सकते हैं, यानी कि कोयला कहाँ पाया जाता है ऐसा पूछा जाता है, या गिरडी किसके लिए जाना जाता है, ऐसे अलवर तांबे के लिए, या ऐसे पढ़ लें हम तो मैंगनीज धारवाड़ में पाया जाता है, भूरा कोयला या इसे लिग्नाइट भी कहते हैं ये जयानकोंडम में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से पूछी जा सकती हैं, चाहे इधर से इधर को प्रश्न बन जाए और चाहे इधर से इधर को प्रश्न बन जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे ये विद्युत ऊर्जा है और सॉरी चलिए देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा। तो इडुक्की इडुक्की जल विद्युत परियोजना है और ये पेरियार नदी पर पाई जाती है, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। सबरीगिरी ये जल विद्युत परियोजना है, ऐसे ही पूछा जाता है निम्नलिखित में से कैसी परियोजना है सबरीगिरी, जल विद्युत ताप विद्युत ऐसे है ना, तो आप इसको याद रखिएगा। सबरी गिरी कहां, जल में गिरी। उड़ान गैस आधारित परियोजना है महाराष्ट्र में। और ऊर्जा खंड हम देखें तो ऊर्जा खंड में सबसे ज्यादा तापीय है, तापीय के बाद में जलीय है, और जलीय के बाद में वायु या पवन है, और उसके बाद में आणविक है। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं नवेली ताप विद्युत संयंत्र के बारे में। तो यहाँ ये तृतीय कोयले पर आधारित है। और ओबरा ताप विद्युत परियोजना ये सोनभद्र के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है, और ये रूस के सहयोग से विकसित की गई थी। और बन कबोटी कबूरी तो ये बन कबूरी गुजरात में है, रायचूर कर्नाटक में है, और पारस महाराष्ट्र में है, और उतारन गुजरात में है, उतारन गुजरात में याद रखिएगा। राज्यवार ऊर्जा उत्पादन हम देखें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, सेकेंड नंबर पे है गुजरात, थर्ड पे है उत्तर प्रदेश, और फोर्थ पे है वेस्ट बंगाल। और भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा की स्थापना कहां हुई थी तो ये तारापुर में थी, बहुत सही से इसको याद रखिएगा। ये ऐसे प्रश्न है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं। एन्नोर ये तमिलनाडु में है, और कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है ना। भारत का 25वां प्रमाण ये परमाणु होना चाहिए, ये परमाणु परमाणु यहाँ पे मानिएगा प्रमाण नहीं होता है। तो परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ, रावतबाटा राजस्थान में है। आगे हम बढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र, तो ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ है तो हजीरा में है, थाल में है, तुतिकोरिन में है, और मानु गुरु में है। आगे हम देखते हैं मीठी वर्दी, तो ये कहाँ है, भावनगर में गुजरात में। यूएसए के सहयोग से यहाँ पे परमाणु संयंत्र लगना था लेकिन ये फिलहाल निरस्त है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड तो एनटीपीसी प्लस एनपीसीआईएल ये दोनों का संयुक्त उपक्रम है, दोनों की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है और दूसरों को भी लाभ मिलता है। जनवरी 2011 में इसकी स्थापना हुई थी अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड की। कोयला जल विद्युत ग्रह सॉरी कोयना है, ये कोयला गलत मैंने पढ़ दिया है, अभी दूसरे चैप्टर में मैं पहले वाले जो बीत गया है उसमें चला गया। तो कोयना में जल विद्युत ग्रह और सतारा में पवन ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन होता है। प्रति व्यक्ति बिजली की स्थापित क्षमता व उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, वैसे तो महाराष्ट्र उत्पादन में सबसे ज्यादा, और यहाँ पे संस्थापित क्षमता व उत्पादन में प्रथम स्थान प्रति व्यक्ति में गुजरात का है। तो यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है, वीडियो भी लगभग 20 मिनट का हो गया, बहुत लंबा देखिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसको फिर देखने में दिक्कत होती है, लोग उससे बोर हो जाते हैं। तो हम ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जहां तीन वीडियो बनने हैं चार हो जाएंगे और उसको हम कवर कर लेंगे। ये छठा वीडियो था और ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से एक या ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी और भारत का भूगोल यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो विश्व का भूगोल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।